हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल प्यार का तड़का में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी रेड वेलवेट कुकीज। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, इससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। मैं हर रोज एक वीडियो डालती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, रेड वेलवेट कुकीज। रेड वेलवेट कुकी बनाने के लिए सबसे पहले मैं बटर मिल्क रेडी करूंगी। ये देखिए, ये मैंने 3 टेबलस्पून दूध लिया है, कच्चा या उबला हुआ कैसा भी दूध ले सकते हैं। इसमें मैं 1 टीस्पून व्हाइट विनेगर डाल रही हूँ, जो हम व्हाइट विनेगर किचन में यूज करते हैं, ये वही विनेगर है। इसको मिला दूंगी और अब इसको 5 मिनट के लिए रख दूंगी। ये देखिए, ये मैंने 1/2 कप बटर लिया है, ये रूम टेम्परेचर का बटर है। इसी तरह ले, कप को बहुत ऊपर तक भर के ना ले ले। अब इसमें मैं 1/2 कप चीनी डाल रही हूँ और ये 1/4 कप मैं इसमें लाइट ब्राउन शुगर डाल रही हूँ। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप 3/4 कप व्हाइट शुगर भी ले सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से बीट करूंगी। आप इस तरह के हैंड विस्कर से इसको बीट कर सकते हैं, मैं ये इलेक्ट्रिक वाले से कर रही हूँ। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक वाले से करें। चीनी और बटर अच्छी तरह आपस में मिल जाएंगे और थोड़े फ्लफी हो जाएंगे, तब तक इसको बीट करना है। चीनी बटर में अच्छी तरह से मिल गई है और ये फ्लफी भी हो गया है। अब मैं इसमें, ये मेरे पास रेड फूड कलर है, अगर आपके पास लिक्विड है तो लिक्विड वाला भी डाल सकते हैं। ये मेरे पास ड्राई है तो मैं ये 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ पहले, अगर ज़रूरत लगेगी तो और ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून मैं इसमें कलर और डाल रही हूँ। अगर आप लिक्विड फूड कलर यूज करेंगे तो 1 टेबलस्पून रेड फूड कलर डालना है। अब इसको साइड में रखूंगी और आगे की तैयारी करूंगी। देखिए, ये मैंने 1/4 कप मैदा, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और ये 2 पिंच इसमें नमक डाल रही हूँ। इन सबको छान लूंगी। अब इनको बटर के साथ मिलाऊंगी। 1/2 टीस्पून मैं इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट डाल रही हूँ। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके अपना ड्राई इंग्रेडिएंट मिलाएंगे। मैदा बटर के साथ अच्छी तरह मिल गई है। अब इसमें हम अपना जो हमने बटर मिल्क रेडी किया था वो ऐड करेंगे। सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। ये देखिए, सॉफ्ट सॉफ्ट सा हमारा डो बन गया है। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। डो को फ्रिज में रख के आधा घंटा हो गया है और अब इसको मैं कुकी शेप करूंगी। ये देखिए, डो को फ्रिज में रख के आधा घंटा हो गया है, अब मैं इसके कुकी शेप करूंगी। जिस भी बेकिंग ट्रे में आपको कुकीज बेक करनी है उसमें आप ये पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर या फिर एल्युमिनियम फॉइल लगा सकते हैं। मैं ये आइसक्रीम स्कूप से इसको शेप कर रही हूँ, जिससे कि सारे कुकीज एक साइज के बने। आप इसको चम्मच या हाथ से भी गोल गोल करके रख सकते हैं। इनको हाथ से टिक्की की तरह गोल गोल करने की जरूरत नहीं है, बस इस तरह से लेंगे स्कूप में, या आप चम्मच में ले रहे हैं तो चम्मच में बस ऐसे ही लें और इसको रख देंगे। ये देखिए, कुकीज को डिस्टेंस में रखना है क्योंकि ये फूलेंगी वरना आपस में चिपक जाएंगी। इसी तरह मैं सारी कुकीज शेप कर लूंगी। कुकीज शेप हो गए हैं, ये देखिए, इनको इतनी इतनी दूरी पे ही रखें। मैं इनके ऊपर अभी वाइट चॉकलेट चिप्स नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि अभी से लगा दूंगी तो ओवन में हमारी चॉकलेट पिघल जाएगी। जब कुकीज बेक होने वाले होंगे तो 1 मिनट पहले ही बस मैं इसके ऊपर चिप्स लगाऊंगी और तब हल्का सा बेक कर लूंगी। तो अब मैं इसको 180 डिग्री के प्री हीटेड ओवन में पहले 15 मिनट के लिए बेक करने के लिए रख रही हूँ। अगर आप कुकीज कढ़ाई में बेक करना चाहते हैं तो कढ़ाई में जिस तरह से आप केक वगैरह बेक करते होंगे उसी तरह से कढ़ाई में नमक डालें, उसके ऊपर स्टील का रिंग रखें और उसके ऊपर अपनी कोई भी स्टील की थाली, एल्युमिनियम फॉइल लगा के उसके ऊपर अपने कुकीज़ को सेट कर दें और कढ़ाई को प्री हीट करके
15 से 20 मिनट के लिए कुकीज को बेक करें। कुकीज 15 मिनट बेक हो गई हैं। ये देखिए, ये मैंने वाइट चॉकलेट ली है। अब मैं इसके ऊपर एक एक ये वाइट चॉकलेट लगा दूंगी। ये देखिए, अब मैं इनको 5 मिनट के लिए और बेक करने के लिए लगा दूंगी। ये देखिए, कुकीज बहुत ही अच्छी बेक हो गई हैं। अब मैं इनको स्टैंड पे निकाल दूंगी ठंडा होने के लिए। अब इनके ठंडा होने का वेट करूंगी, फिर मैं इनको सर्व करूंगी। लीजिए, बनके तैयार है हमारे बहुत ही क्रिस्पी एगलेस रेड वेलवेट कुकीज। इनको जरूर ट्राई कीजिएगा। इनको प्यार से बनाइए, प्यार से खिलाइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।